नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। छात्रावास अधीक्षक भर्ती आखिर कब तक आएगी और साथ ही पूछे गए सवालों के जवाब इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सुबह से एक लेटर वायरल हो रहा है छात्रावास अधीक्षक भर्ती के संबंधित, तो क्या यह सही है या अफवाह है, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में अभी मिल जाएगी। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द ही कर लें ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। सबसे पहले इस चैनल पर ऐसी ही व्यापम से CGPSC से अपडेट मिलती रहती है। आप सभी को मैंने कहा था कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती के 390 से अधिक पदों पर वित्त विभाग से अनुमति दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि विभाग के अंतर्गत स्वीकृत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी अ ब स एवं द के स्वीकृत पदों की संख्या एवं भरे रिक्त पदों के लिए स्वीकृति का सेटअप अनुसार उपलब्ध कराने के संबंध में। हाल ही में आपको कहा था कि जो 10 श्रेणी हैं वह 7 श्रेणी में प्रमोशन होने वाला है, फिलहाल उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ है। वहाँ जो जानकारी गई है 400 से अधिक पदों पर गई है। देखें यहाँ पर कि विभाग द्वारा श्रेणी कर अनुसार आपके जिले में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों की जानकारी 3 दिवस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से संलग्न प्रपत्र अ एवं ब श्रेणीवार के स्वीकृत सेटअप की 6 प्रति सहित उपलब्ध कराना सूचित करने के लिए कहा गया है। यही इस लेटर में ऐसा वायरल हो रहा था। देखिए यहाँ पर 10 श्रेणी का जो 5 साल पूरे हो चुके हैं उनका दबाव है कि यहाँ जल्द ही प्रमोशन करने चाहिए, या और यह विभाग बहुत ही एक्टिव की तरह कार्य कर रही है। देखिए जैसे कि वहाँ जाएगी वित्त विभाग से और आपको उनकी अनुमति देखने को मिलेगी, और उसके बाद छात्रावास अधीक्षक की भर्ती जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे वित्त विभाग से अनुमति मिलती है या व्यापम की वेबसाइट में आता है, तो आपको सबसे पहले इस वीडियो में आपको छात्रावास से अधीक्षक से संबंधित इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।